9 मई 2024 को अधिवक्ता विकास सिंह अपने वकील गोपाल कृष्ण के जरिए कोर्ट में मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हैं, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि पीएम मोदी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पैसे लिए हैं ताकि वह भारत में अपनी वैक्सीन को बिना परीक्षण के ही लोगों को लगा सके। पीएम मोदी के अलावा विकास सिंह ने भारत में कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट पर भी बड़ी कार्यवाही की मांग की है। दोस्तों, अधिवक्ता विकास सिंह के द्वारा पीएम मोदी पर लगाए गए आरोप क्या सच में सही है या फिर चुनाव के समय में जनता को बीजेपी के खिलाफ करने की कोई नई रणनीति है, इसे समझने के लिए हमें कोविशील्ड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कोविशील्ड का कोड नेम AZD1222 है, जिसे ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, जिसे यूरोप में वैक्स जर्वरिया के नाम से सप्लाई किया जा रहा था। वहीं भारत में इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाया है, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। इस कोविशील्ड वैक्सीन को भारत के लगभग 80% लोगों को लगाया गया है, लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड की एक सरकारी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि एस्ट्राजेनेका के इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से TTS यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का खतरा बन सकता है, जिसकी वजह से रक्त नलिकाओं में रक्त के थक्के बन सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है और इसी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। न्यूजीलैंड की यह रिपोर्ट आने के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने भी कोर्ट में यह माना है कि विशेष परिस्थिति में इस वैक्सीन से TTS का खतरा बन सकता है। एस्ट्राजेनेका के इस बयान के बाद बहुत से लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि कहीं उन्हें इस वैक्सीन से कोई खतरा तो नहीं है। तो इसका आंसर है, अगर आपको कोविशील्ड लगवाई 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है तो आपको इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ICMR के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को लेकर कहा है कि इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट टीका लेने के अधिकतम 3 से 4 हफ्तों तक ही हो सकता है, वो भी कोई रेयर केस में। वही ICMR के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगा खेड़कर ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि इस टीके के लगने पर 10 लाख लोगों में से केवल 7 से 8 लोगों को ही TTS का खतरा हो सकता है, वो भी किसी रेयर केस में ही। दोस्तों, ऐसे में अगर इस वैक्सीन से TTS का खतरा बनता है लेकिन उसके फैलने के चांसेस ना के बराबर है, और उस वैक्सीन के जरिए ही यदि लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो उस वैक्सीन का यूज करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैल गया था कि 30 अप्रैल 2021 को एक ही दिन में 4 लाख से ऊपर पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं और भारत नए मामले दर्ज करने वाले देशों में पहली पोजीशन पर आ जाता है। इस कंडीशन में ये जरूरी हो गया था कि भारत में कोविशील्ड का इस्तेमाल जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि दूसरी ओर वैक्सीनों के मुकाबले कोविशील्ड कम टेम्परेचर पर और करीब करीब 6 महीनों तक सेफ रह सकती है। इस नए मुद्दे पर विपक्ष भी अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए लगातार बीजेपी को टारगेट कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल करके WHO की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि WHO ने COVID-19 से बचाव के लिए जिन वैक्सीनों को परमिशन दी थी उनमें कोविशील्ड और भारत की कोवैक्सीन भी शामिल थी, और जो वैक्सीन WHO की लिस्ट में शामिल की जाती है उन्हें पहले कड़े से कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ऐसे में विकास सिंह के द्वारा ये कहना गलत होगा कि पीएम मोदी ने कंपनी से पैसे लेकर बिना किसी परीक्षण के ही भारत में कोविशील्ड को परमिशन दे दी, लेकिन भारत के पास खुद की कोवैक्सीन जो कि WHO की लिस्ट में भी शामिल थी, उसके बावजूद भारत ने कोविशील्ड का इस्तेमाल किया। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक थी और कोवैक्सीन वायरस को रोकने के लिए 78% से 80% तक कारगर थी, लेकिन कोविशील्ड लगभग 90% से 92% तक वायरस को रोकने के लिए कारगर है। वहीं अगर सीरम इंस्टीट्यूट की माने तो उन्होंने पैकेजिंग इंसर्ट में वैक्सीन के सभी साइड इफेक्ट्स का जिक्र किया था, जिसमें TTS भी शामिल था। TTS किसी रेयर केस में ही वैक्सीन लगाने के 7 से 42 दिनों में ही प्रभावी हो सकता है, लेकिन भारत में तो कोविशील्ड को लगाए हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, इसलिए भारत के लोगों को फिलहाल इससे कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने कोविशील्ड को अपना कर कोई गलती की है? कमेंट में जरूर बताना और हमारे F4U चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।